खबर झुंझुनू के बुहाना से है, जहां देर रात जैतपुर गांव में दो दोस्तों की निर्मम हत्या का मामला सामने आया। घटना की सूचना पाकर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। पुलिस के मुताबिक मृतक युवक दीपक और नरेश घर की छत पर सो रहे थे, जिनकी कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी गई। इस दौरान पुलिस को मौके से कुल्हाड़ी मिली, वहीं ये पूरा मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। फिलहाल FSL टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए और साथ ही पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता राजेश सिंह बुहाना से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेश, क्या ये पूरा मामला रहा? मनीषा, ये आज सुबह की बात, जैतपुर गांव बुहाना थाने के अंदर, इसमें दीपक और नरेश दो दो अपनी छत पे सोए हुए थे जी। तो एक अज्ञात व्यक्तियों ने आके कुल्हाड़ी से वार करके इनके, पुलिस मौके पे पहुंच गई है, डॉग स्क्वाड और ऐसा कुछ पहुंच गई है, मौके पे साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं जी। क्या पूरा मामला रहा, कोई आपसी रंजिश रही है? यहाँ पर प्रेम प्रसंग का ये मामला बताया जा रहा है, कितने टाइम से ये चल रहा था, कुछ सामने आया? जी, प्रारंभिक जांच में, पुलिस की जांच में ये प्रेम प्रसंग का मामला लग रहा है। दीपक के बड़े भाई हैं किशन। अच्छा। वो 2 तारीख को किसी महिला को भगा कर ले गए थे। पुलिस इसी मामले को जोड़कर इस घटना को देख रही है जी। बिल्कुल राजेश, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आपको बता दें, कुल्हाड़ी से वार कर मौत के घाट यहाँ पर उतार दिया, प्रेम प्रसंग का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।